नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, नक्षत्र की सीरीज में आज हम भगवान राम के जो नक्षत्र, जन्म नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, उस पर आ गए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र कितना शुभ और किस प्रकार से शुभ है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, आज वो हमें बताने के लिए हमारे बीच में है हमारी आदरणीय उत्तरा दीदी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, आप सभी का भी नमस्कार। सुनने वाले हमारे श्रोताओं का पुनर्वसु नक्षत्र नाम सुनते ही हमें भगवान रामचंद्र जी की याद आ जाती है कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ था, जो कर्क राशि में आता है। यहाँ भी गुरु का ये जो नक्षत्र है पुनर्वसु सातवां नक्षत्र है और ये भी दो राशियों में बटा हुआ है। इसके तीन चरण 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मिथुन राशि में है और जो एक चरण बचा है चौथा चरण वो कर्क राशि के अंतर्गत आता है। तो हम इन दोनों तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि मिथुन राशि में ये किस तरह से काम करता है और कर्क राशि में इसका क्या व्यवहार रहता है या क्या मानसिक विशेषताएं रहती हैं, किस तरह का व्यवसायिक निरीक्षण रहता है, ये सारी बातें, और हमारे किन किन अंगों को ये प्रभावित करता है किस तरह से। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है तीन चरण 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री मिथुन राशि में जो है यहाँ पर राशि स्वामी बुध है और नक्षत्र स्वामी गुरु। शरीर के जिन अंगों पर इसका अधिकार है, कान है, गला है, कंधे हैं और कंधे की हड्डियां विशेष रूप से, और हमारे छाती का ऊपरी हिस्सा। तो इसमें रोग कौन कौन से आ गए? प्लूरिसी आ गई, ब्रोंकाइटिस आ गया, निमोनिया, पेरिकार्डियम की जलन, जो फेफड़ों के ऊपर परत होती है कार्डियम के उसकी, उसमें कई बार किसी किसी को जलन होने लग जाती है वो जलन, या फिर कान की सूजन, कानों में सूजन आ जाती है या दर्द होता है, या गोटायर, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं, या फेफड़ों के ऊपरी भाग के छेद बंद होते हैं। फेफड़ों का ऊपरी भाग इस मिथुन राशि के अंतर्गत, इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है। और वापस वही गले संबंधी रोग तो होते ही हैं और एपिलेप्सी। मानसिक विशेषताएं क्या क्या देता है ये कॉम्बिनेशन बुध और गुरु का? दोनों शुभ ग्रह माने गए हैं। बुध को हालांकि फ्लेक्सिबल माना गया लेकिन गुरु तो शुभ ग्रह माना गया। उसका नक्षत्र खुले विचारों वाला बनाता है। ये नक्षत्र बुद्धि भी बहुत तीव्र करता है, तीव्र बुद्धि, स्मृति, मेमोरी भी बहुत ही शार्प देता है। ये आपने देखा होगा मिथुन लग्न के लोग बहुत ही शार्प मेमोरी के होते हैं और उनको इंट्यूशन पावर भी बड़ी जबरदस्त होती है। पहले से उनको आगे से आगे सूझ जाता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। और तीव्र दृष्टि, दृष्टि में उनका देखने का जो तरीका होता है अंदर तक भेद देता है आपके शरीर को, मन को। और एक चीज और है कि निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर जो है वो उनका बिल्कुल एक्यूरेट सही जाता है। व्यवहारिक होते हैं ये लोग, इनका मानसिक संतुलन भी बैलेंस्ड रहता है, असंतुलित नहीं होते हैं ये कि भाई अचानक से गुस्सा आ गया, अचानक से डिप्रेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं, बैलेंस माइंडेड रहते हैं। कोई भी कष्ट आए या कोई खुशी हो या दुख हो। एक चीज और इनकी खासियत रहती है कि इनको अधिक से अधिक पढ़ने की इच्छा होती है कि मैं खूब पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं, ये आदत रहती है। और पवित्र और सच्चे माने गए हैं ये लोग, झूठे नहीं माने गए हैं। कई लोग इसमें उच्च कुल में जन्मे व्यक्तियों को भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये मिथुन राशि का पुनर्वसु नक्षत्र उच्च कुल में भी जन्म देता है। परोपकारी होते हैं, देखने में सुदर्शन होते हैं, सुंदर होते हैं, बुद्धिमान, तो हमने आपको बता ही दिया कि बुद्धिमान तो है, और कई लोग बहुत प्रसिद्ध भी होते हैं। मैंने आपको पहले पांडे साहब का उदाहरण दिया था, वो मिथुन लग्न के हैं और ये उनका नक्षत्र है। धनी भी होते हैं और उनके नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं, मतलब काम करते हैं। इसके अतिरिक्त आत्मनियंत्रित, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेल्फ अप कंट्रोल्ड, अनियंत्रित नहीं हो पाते कभी भी, अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं और अपना स्वभाव जो है अपने नियंत्रण में रखते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, खुश मिजाज, दुखी नहीं होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं कोई परेशानी हो तब भी, और सुस्ती वाला नहीं है इनके, बिल्कुल सुस्त तो है ही नहीं, हमेशा एक्टिव एक्शन में रहते हैं। एक चीज और इनकी लास्ट खासियत ये होती है कि ये हमेशा जल्दी ही संतुष्ट भी हो जाते हैं।
इनकी बहुत ज्यादा पिपासा, महत्वाकांक्षी ऐसे नहीं होते कि संतुष्ट ही ना हो। अब आता है इनका व्यवसाय। व्यवसाय यदि हम देखें तो क्योंकि बुद्ध और गुरु दोनों व्यवसाय पत्रकारिता के व्यवसाय से जुड़े हैं, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, प्रकाशन और जो प्रूफ रीडिंग वगैरह होती है, करेक्शन करना, शुद्धिकरण जिसको कहते हैं, एडिटिंग करना, इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण। कई ऑडिटर वगैरह भी इसीलिए सीए वगैरह जो बनते हैं वो ऑडिटर्स वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। उनका बुध और गुरु बहुत ही मजबूत और बलवान होता है। मैंने आपको एक मेष लग्न की कुंडली बताई थी, मेष लग्न, लग्न पे बुध और सप्तम भाव में गुरु, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बढ़िया, दूसरों की कमियां निकालने वाले, मतलब शुद्धिकरण करना। फिर कहानी लेखन भी ये कार्य कर सकते हैं लिखने का, पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के कार्यों से भी जुड़ सकते हैं, ये धर्म के कानूनों से भी जुड़ सकते हैं या लॉ से भी जुड़ सकते हैं। लेखन कार्य, कविता करना, कविता पाठ करना, इसके अलावा जीवन बीमा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर सकते हैं, ब्रोकर का काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, ऑडिटर का तो मैंने आपको बता ही दिया, और अगर लॉ पढ़े तो वकील बन सकते हैं, सिविल लॉयर या फिर सिविल जजेस बन सकते हैं, यहाँ तक कि मेयर या काउंसिलर भी बन सकते हैं। और अगर हम संक्षेप में आए तो स्कूल अध्यापक या प्राध्यापक, धर्मोपदेशक मैंने आपको बता ही दिया। इसके अतिरिक्त ये लोग अनुवादक भी अच्छे बन सकते हैं, ट्रांसलेटर, किसी भी व्यक्ति के, अफसर के, अधिकारी के सेक्रेटरी बन के काम कर सकते हैं, किसी कार्य विशेष के विभाग के रजिस्ट्रार बन सकते हैं इंस्टीट्यूट के, छोटा काम करें तो क्लर्क का काम भी कर सकते हैं, मैसेंजर का काम भी कर सकते हैं, ज्योतिष और गणित के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं ये, क्योंकि गणित का बुध है, ज्ञान का प्रदाता और ज्योतिष का कार्य। इसके अतिरिक्त कपड़ों का व्यापार भी कर सकते, मतलब हर तरह का काम, खाने पीने के सामान का भी कार्य व्यापार ये लोग कर सकते हैं। और यदि इस नक्षत्र क्षेत्र में, गुरु का नक्षत्र क्षेत्र में यदि ग्रह होते हैं जो संतान देने में सक्षम हैं, तो वो काफी बलवान हो जाते हैं। पिछले आद्रा नक्षत्र में हमने आपको बताया था, यदि आद्रा नक्षत्र के क्षेत्र में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक कोई ग्रह होते हैं जो संतान उत्पत्ति में सहायक हैं, तो वो कमजोर हो जाते हैं, बांझ हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं होते। और इस क्षेत्र में यदि कोई ग्रह होता है नक्षत्र के, पुनर्वसु नक्षत्र के क्षेत्र में, तो ग्रह काफी बलवान माना जाता है, मिथुन राशि में होते हुए भी, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद आ जाता है हमारा मिथुन राशि के, ये पुनर्वसु नक्षत्र समाप्त, अब आता है कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र। इसका चौथा चरण, चतुर्थ चरण जो है कर्क राशि में आता है 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक। यही जो चतुर्थ चरण है, यही रामचंद्र जी का माना जाता है जो कर्क राशि में आता है, उनका कर्क लग्न और कर्क राशि ही है। इस नक्षत्र जो है इसका स्वामी है चंद्रमा, राशि स्वामी चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु। चंद्र और गुरु का बहुत अच्छा संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। शरीर के अंग कौन कौन से आते हैं इनमें? फेफड़े, श्वसन संस्थान, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, छाती, पेट और ओएसोफोगस, मतलब हमारी जो भोजन नलिका है वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है, डायफ्राम आ जाता है, पैनक्रियाज का ऊपरी हिस्सा, स्तन की दुग्ध ग्रंथियां, लीवर का ऊपरी भाग, ये पोर्शन जो है कर्क राशि के इस पोर्शन के अंतर्गत आ जाते हैं गुरु के नक्षत्र में। रोग कौन कौन से ये दे सकता है? ड्रूपसी, बेरी बेरी, पेट गड़बड़ रहना, इसके अतिरिक्त खून की खराबी, किसी तरह से खून में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पॉइजनस हो जाता है, जहर हो जाता है उसमें खून में, टीबी, टीबी भी हो सकती है, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये तो मिथुन राशि में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, लीवर की समस्या, क्योंकि लीवर का थोड़ा कुछ और अधिक भाग इसमें आ जाता है, पीलिया मतलब उसके कारण, और डिस्पेप्सिया, ये प्रमुख रोग हैं जो कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र देने में सक्षम है। जैसे मान लीजिए ये छठे भाव में ही है राशि, आइए यहाँ पर कोई ग्रह है तो वो ग्रह ये रोग देने में सक्षम हो सकता अपनी दशा, अंतर दशा में। अब आ जाती है हमारी मानसिक योग्यताएं, कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र अर्थात चंद्र और गुरु का संयोग,
कल्पना शक्ति प्रचुर रहती है ऐसे लोगों की, ईमानदार भी रहते हैं, शक्तिशाली भी रहते हैं, सत्य प्रिय रहते हैं। आप रामचंद्र जी की कल्पना करके बहुत सारे गुण उससे ले सकते हैं। इसके अधीन सबका ध्यान रखने वाले, विश्वसनीय, क्षमाशील, सौंदर्य प्रेमी, सौंदर्य प्रिय रहते हैं, निर्णय क्षमता एकदम सही रहते हैं, जो भी निर्णय लेंगे वो सही लेंगे, तर्क शक्ति का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं, ये आदमी नतमस्तक हो जाता है। ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी रहती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति, अगर बीमार होते भी हैं तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, प्रभावशाली रहते हैं, इनकी पर्सनालिटी ऐसी रहती है कि लोग प्रभावित हो जाते हैं, और जन्मजात धनी भी माने गए हैं कुछ लोग जो पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में जन्म लेते हैं कर्क लग्न में। इसके अतिरिक्त राजनीति के क्षेत्र में भी इनका अच्छा ज्ञान है। अब आते हैं व्यवसाय, चंद्र और गुरु मिलकर किस प्रकार के व्यवसाय हमें दे सकते हैं। बैंकिंग से जुड़े हुए, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं वो देते हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल क्षेत्र में ये फिजिशियन भी बनाने का काम करते हैं, क्योंकि शरीर रोग विशेषज्ञ जनरल फिजिशियन, या फिर किसी भी धार्मिक संस्था के अध्यक्ष या प्रमुख बन सकते हैं, मंदिर के ट्रस्टी बन सकते हैं, किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार बन सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े रह सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, या फिर प्रोफेसर भी बन सकते हैं, प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, और टीचिंग कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह की, वो प्राइमरी स्कूलों की भी हो सकती है या फिर हायर उच्च कोटि की शिक्षा भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त क्योंकि चंद्रमा यहाँ जुड़ा हुआ है इसलिए सेलर भी हो सकता है व्यक्ति, शिप में इधर उधर आवागमन करने वाला, जहाज यात्री, तरल पदार्थों का व्यापारी हो सकता है, या बेचने वाला हो सकता है, या डीलर हो सकता है। इसके अतिरिक्त नर्स या मिडवाइफ का भी काम कर सकते हैं, फीमेल ऑफिशियल्स भी बन सकते हैं, स्त्री ऑफिशियल्स। इस तरह से ये कुछ प्रमुख व्यवसाय हैं जो चंद्र और गुरु की युति हमें कर्क राशि में प्रदान करती है। ये हमारा सातवां नक्षत्र पूरा हुआ है। अगला जो हमारा नक्षत्र आएगा वो पुष्य नक्षत्र। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं क्योंकि कुछ लोगों को व्यक्तिगत जानता हूँ तो मैंने देखा कि बिल्कुल आपने जो पुनर्वसु के जो गुण बताए थे एग्जैक्टली वैसे ही गुण उनके अंदर, मतलब बिल्कुल मैंने भी पाए हुए हैं बहुत उनके, देखिए मतलब बड़ी बारीकी का, जैसे कहते हैं ना, अध्ययन का आप जो है बताते हैं, बहुत सटीक, एक बहुत अद्भुत वीडियो। इस वीडियो के लिए मैं धन्यवाद करूं, उससे पहले मैं सभी को एक सूचना दे रहा हूं कि आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम 19 दिसंबर से दूसरा बैच शुरू कर रहे हैं। जिनको वैदिक पराशरी की बेसिक नॉलेज सीखनी हो, कैसे कुंडली में ग्रह भाव राशियों का कैसे उपयोग करके प्रिडिक्शन की जाती है, नक्षत्रों की कुछ बेसिक जानकारियां, ये सब अगर सीखना हो, उनका प्रिडिक्टिव कैसे इम्प्रूव किया जाता है, वो लोग इस बेसिक कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। और इस बहुत अद्भुत वीडियो के लिए मैं फिर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार दीदी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।